तो कैसे हैं गाइस, आप सभी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है गौरव चौहान, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो गाइस, मैं ये सोच रहा हूँ, शायद थंबनेल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो मैं उसी के बारे में आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ कि गाइस, मैं यूट्यूब बंद करना चाहता हूँ, अपना यूट्यूब चैनल जो है, क्योंकि गाइस मेरी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही। मैं लाइक 2016 से मैं ट्राई कर रहा हूँ यूट्यूब पे। मैंने कम से कम 10 से 20 जीमेल बना रखे हैं अपने अकाउंट, बट उससे भी कुछ नहीं हुआ। मैंने 4 से 5 अकाउंट अपने चैनल बना रखे हैं, मतलब 4 से 5, उस पर भी मेरा कुछ नहीं हो पाया। सो गाइज, मैं बहुत लाइक मैं हर एनालिसिस को सही से कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि लाइक मैं अच्छा करूँ, बट मेरी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। मैं एनालिसिस को समझ नहीं पा रहा, या पता नहीं मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है गाइज, मतलब बिल्कुल भी मेरी ग्रोथ नहीं हो रही। तो गाइज, मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल बंद कर रहा हूँ। गाइज, मैं इतने सालों से मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, ना ही मैं भी ढंग से कुछ अपना पैरों पे कामयाब हो पाया हूँ, मतलब खड़ा नहीं हो पाया हूँ। और क्या बोल सकता हूँ मैं कि गाइज, मतलब बिल्कुल ही मेरा माइंड अपसेट हो चुका है यूट्यूब की तरफ से। मेरी इतनी उम्मीद थी यूट्यूब से, आप सोच नहीं सकते कि एक मिडिल क्लास का बंदा अगर कुछ सोचता है कुछ करने के लिए, और अगर वो उस चीज़ में सफल ना हो पाए तो उसके दिल पर क्या बीतती है। तो सेम गाइज वो मेरे साथ हो रहा है इस समय। सो अफसोस है मुझे उस चीज़ का, बट मैं कर भी क्या सकता हूँ। मेरे को इतनी जितनी नॉलेज है मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दे रहा हूँ। हाँ, हालांकि मेरे पे कोई एक्सपेंसिव थिंग नहीं है, लाइक मेरे पास कोई एक्सपेंसिव फ़ोन नहीं है। अभी भी जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, मेरा इसका फ्रंट कैमरा, आप मानोगे नहीं, फ्रंट कैमरा टूटा हुआ है। ये एसस का जैन फोन है मेरे पास, ठीक है, फ्रंट कैमरा टूटा हुआ है, बैक से शूट कर रहा हूँ गाइज, ठीक है, आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। सो बहुत बहुत मुश्किल होती है गाइज कि एक वीडियो को शूट करना, देन एडिट करना। एक ये क्रिएटर ही जानता है अच्छे से, जो भी आज के डेट में सक्सेसफुल क्रिएटर हैं वो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं, और जो हम जैसे अनसक्सेसफुल हैं वो मेहनत करके भी कुछ नहीं कर पा रहे। सो पता नहीं मेहनत किस डायरेक्शन में जा रही है हमारी, या फिर हम गलत हैं, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा कहानी क्या है क्या नहीं है। सो यूट्यूब अपनी जगह काम ठीक कर रहा है, बट शायद हम यूट्यूब पे ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं भाई, मैं इतने सालों से वर्क कर रहा हूँ, मेरी कुछ ग्रोथ नहीं हो पाई। और लोगों की मैं देखता हूँ, जैसे कि कोई मतलब गली मोहल्ले में या फिर पड़ोस में भी देखता हूँ, कोई अगर नया चैनल क्रिएट करता है तो उसका एकदम से बूस्ट कर जाता है चैनल, या फिर व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं, या फिर उसके सब्सक्राइबर अच्छे आ जाते हैं। बट गाइज, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इवन मानोगे नहीं, मेरे वीडियो 0 0 व्यूज़ आते हैं मेरी वीडियो पे। सो ये मतलब 1 2 व्यूज़ भी नहीं आते यार, मतलब कहाँ, मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ या कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या अन्याय हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रही मुझे कहानी। मतलब तो मैंने बहुत सोचा समझा गाइज, मैं प्लानिंग मेरी एक्चुअली यही थी, मैं इसी में कुछ करना चाह रहा था, बट ना चाहते हुए भी मेरे को, चाह के भी और ना चाह के हुए भी इसको करना पड़ेगा। क्या कर सकता हूँ गाइज, मेरे को ऑप्शन ही नहीं है कुछ। सो मैं यही चाह रहा हूँ गाइज, मैं मुझे अब ये चैनल अपना बंद करना पड़ेगा। और जितने भी मैंने वीडियो बनाई है, शायद आप लोगों ने देखी हो या ना देखी हो, ठीक है, तो गाइज जैसे भी बना पाया, आप लोगों को शायद पता ही होगा, जो मेरे को स्टार्टिंग से मुझे फॉलो कर रहा होगा या मुझे जानता होगा, तो गाइज उसे पता होगा मैंने कितना लाइक स्ट्रगल करा है इस पूरी अपनी जर्नी में। बट मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो बट मैं इसमें क्या करूँ जो है, बट मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, लाइक हर चीज़ को, मतलब लाइक समझा भी है उसको, बट क्या हुआ या मतलब कि क्या प्रॉब्लम आई क्या नहीं आई। हालांकि ऐसा हो सकता है कि जैसे कि लाइक मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी ना हो, मेरे पे माइक क्वालिटी अच्छी नहीं, तो मैंने ये बोया का माइक ले लिया, इस बहुत मशक्क़त करके लिया ये भी, ठीक है, मैं आपको बताऊँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, अभी तक लाइक मेरे पे कोई एक्सपेंसिव फ़ोन नहीं है। सो मैं इसी अपने पुराने टूटे हुए फ़ोन से शूट कर रहा हूँ ये वाली वीडियो भी। हालांकि मैंने ये देखा है कि जिसके लाइक फ़ोन अब जो एप्पल से शूट करते हैं, लाइक जैसे अपना iPhone 6 हो गया, 11 हो गया, तो जो भी है मतलब, तो वो जो बंदे इस चीज़ से शूट करते हैं वो ऑब्वियसली उनकी वीडियो बूस्ट करती करती है, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी उनकी अच्छी होती है, वीडियो क्वालिटी अच्छी होती है गाइज, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जितना मैं फील करता हूँ कि मतलब लाइक इससे भी कुछ फ़र्क पड़ सकता है मेरी साइड से, अदरवाइज़ मेरे को इतना कुछ लगता नहीं है। कि जैसे कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यू किसी किसी में जा रहे हैं, तो लाइक थोड़ा तो रिजल्ट मिलना चाहिए यार, मतलब बंदा थोड़ा मोटिवेट होकर भाई कोशिश करे। अब वो बंदा कोशिश कैसे करेगा जब उसको कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ हो ही नहीं पा रहा। गाइज आप खुद बताओ, मैं कंटिन्यू मतलब मेहनत कर रहा हूँ, और उसके बाद भी अगर मेरे को रिजल्ट ना मिले, देन आप खुद सोच सकते हो उस चीज़ को। अपसेट हूँ थोड़ा, बस क्या करूँ, मेहनत बहुत दिनों से कर रहा हूँ, बहुत सालों से कर रहा हूँ जैसे कि आप लोग जानते होंगे, बट कुछ चल ही नहीं रहा, मतलब क्या बोले अभी। तो गाइज यही है, और
मिस्टेक हो गई हो वीडियो बनाते समय, या फिर वीडियो क्वालिटी में, ऑडियो क्वालिटी में, जितनी भी अभी तक बनाई है, तो अगर कोई मिस्टेक हो गई तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और हालांकि ये बोलूँगा आप लोगों से कि मैं स्ट्रगल स्टार्टिंग से मैंने किया है अपनी लाइफ में, और बस यही है, और क्या बता सकता हूँ मैं आपको। और आप लोग कुछ अगर पूछना चाहो तो पूछ सकते हो गाइस कमेंट करके मेरे से, कि भाई कैसा क्या है जो भी है। और हालांकि यही है अभी तो, बस बाद बाकी जितने भी न्यू न्यू बिगनर्स हैं गाइस, वो आप लोग प्लीज़ अपना चैनल अच्छा बनाइए, और हो सके तो प्लीज़ गाइस, आजकल ये दिखावे वाली दुनिया है, सो प्लीज़ हो सके तो आप एक एक्सपेंसिव फ़ोन ले लीजिएगा, जिससे कि मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि कैसे भी कर्ज पानी करके लो, जैसे कि मेरी प्रॉब्लम है तो अभी तक मैं नहीं ले पाया इस चीज़ को, बट आपका जैसा भी अपना बजट बने, अपने जैसे भी काम करके जोड़ पाएँ, तब आप उसके बाद कर लें, कहने का मतलब ये है। बट अगर आप एक्सपेंसिव चीज़ को यूज़ करेंगे एंड देन उसके बाद मतलब कोई वीडियो बनाते हैं, सपोज़ किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सपोज़ यूट्यूब हो गया, कोई अदर शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन हो गए, सो उस पर मैंने देखा है गाइस के लोग ट्रेंड करते करते हैं, बट जिसके पास है नहीं कोई एक्सपेंसिव चीज़, या फिर एप्पल का आईफोन नहीं है, या फिर सपोज़ उसके पास कोई अच्छी क्वालिटी का मोबाइल नहीं है, देन हाउ वुड वो कैसे कर सकता है गाइस। सो इस चीज़ का मुझे थोड़ा लगा दुख कि मतलब ये मैंने ये देखा है, मैंने इस चीज़ को आजमाई है गाइस, अगर मैं बोलूँ तो, कि जो बंदों पे लाइक होती है एक्सपेंसिव चीज़, सो वो ही बंदे ग्रो करते हैं, लाइक जो मैंने फील करा। हालांकि अब आप बोलोगे कि बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे कि भाई उधर से अगर आप गांव से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप जानते होंगे अपने बिहार साइड से एक भाई आएंगे, और दो तीन जगह और साइड से जो बहुत पिछड़े बंदे हैं, एक डांसर भाई भी हैं अपने, ठीक है, तो वो बंदे इतने ग्रो कर गए, लेकिन गाइज कुछ ना कुछ होता है जिससे कि बंदे को सपोर्ट मिल जाती है, या फिर मैं बोलूँ कि बूस्ट मिल जाता है उससे, कि थोड़ा भी लाइक कुछ अगर हेल्प मिल जाए तो वो बंदा ग्रो कर जाता है। बट जिसका कोई कोई कुछ किसी को जानता ही नहीं है, या फिर कोई किसी को बिल्कुल अननोन है वो किसी चीज़ के लिए, और उसको कोई गाइडलाइंस भी नहीं है कि उसको क्या करना है, कौन सा स्टेप कब रखना है, कौन से लाइक उसको टैग डालना है, टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, जिसको टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन के बारे में पता नहीं होगा, जिसको पूरी और चीज़ें पता ही नहीं होगी, तो वो कैसे कर पाएगा, और वो उस चीज़ को सीखने की वो पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, बट वो उसमें सफल नहीं हो पा रहा, तो ये एक अलग चीज़ है। बट हाँ, उसने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, उसे ये रिग्रेशन नहीं रहेगा अपनी लाइफ में कि लाइक कि भाई ठीक है, मैं कभी इसमें मैंने कभी ट्राई नहीं करा तो शायद मैं कर जाता, तो खैर ये रिग्रेशन तो नहीं रहेगा मेरे लिए, बट ठीक है, अब मैं मतलब सफल नहीं हो पाया है, या फिर लाइक अगर कुछ नहीं हो पाया तो मैं क्या कर सकता हूँ। हालांकि मैंने बहुत अच्छी कोशिश की थी, मैंने सोचा था कि यार इस पर भी मेरे 1 मिलियन होंगे, या फिर मेरे को सिल्वर प्ले बटन मिलेगा 1 लाख सब्सक्राइबर पार करने पर, बट 1 लाख क्या यार, यहाँ पे तो 1000 ही सब्सक्राइबर पार नहीं हो पा रहे, जो बेसिक नीड होती है, कम से कम मेरा चैनल ही मोनिटाइज हो रहा था, या फिर मैं कुछ धीरे धीरे कुछ करता, बट क्या बोल सकता हूँ, अब कुछ है ही नहीं मतलब बोलने के लिए। सो यही है यार, और आप सभी को यही बोलूँगा कि मेरी वजह से डिमोटिवेट मत होना, हालांकि जितने भी न्यू बिगिनर्स हैं भाई, प्लीज़ आप लोग मेहनत करना दबके, और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाना, अच्छे अच्छे आजकल टॉपिक्स हैं, आप भी जानते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स के टॉपिक हैं, व्लॉग्स के टॉपिक हैं, ठीक है, कॉमेडी के टॉपिक हैं, तो जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको सूट करता हो गाइस, उस पर आप वीडियो बनाना, और अच्छा देना, अपनी तरफ से बेस्ट देना, और गाइस यही है। इसके अलावा तो गाइस अपने पास कुछ भी नहीं है, बस जो अपने पास अपन जो बता सकते हैं आपको कि भाई ये करो वो करो, जो मैंने गलती करी वो आप मत दोहराना, और हो सके तो आप कई, टीम वर्क भी बहुत मैटर करता है, मैं बताऊँ आपको, अगर आपकी अच्छी टीम हो तो आप अच्छा ग्रो कर जाते हो, सपोज़ अगर आपको अच्छे शेयर्स हो जाएँ, या फिर आपके फ्रेंड्स शेयर करें आपको ज़्यादा, या फिर यू नो थोड़ा उससे फ़र्क पड़ जाता है। बट हाँ, हम जैसे अगर न्यू बिगनर हो या न्यू क्रिएटर हो, तो हम स्टार्टिंग में ये सोचते हैं यार अगर हम अपने रिश्तेदारों को सेंड करेंगे, या फिर अपने भाई को करेंगे, तो यार वो, या स्कूल फ्रेंड को करेंगे, या कॉलेज फ्रेंड को करेंगे, तो यार वो सबसे पहले ये बोलेगा भाई यार कहाँ किन पचड़ों में पड़ रहा है तू, क्या घटिया चीज़ें बना रहा है तू यार, क्या यूट्यूब यूट्यूब क्या है, ये सब बंदे यूँ बोलेंगे स्टार्टिंग में, आपको डीमोटिवेट कर देंगे। तो उसी चक्कर में ही मोस्टली जो न्यू बिगनर होता है वो कभी भी अपनी वीडियो बहुत कम होता है जो शेयर करता है, अदरवाइज वो ये सोचता है कि लाइक मेरे, हाँ यार मेरे 1000 हो जाए, या फिर मेरे 1 लाख हो जाए सब्सक्राइबर, तब मैं उसके बाद बताऊँगा। हर किसी का मोस्टली मेरा भी यही सीन था कि भाई मेरे 1000 हो जाएंगे सब्सक्राइबर, तब मैं उसको बताऊँगा, सभी को अपने को बताऊँगा, लाइक जो भी मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाए, जो मेरे फ्रेंड्स हैं भाई, तब मैं, मेरे को और अच्छा लगेगा, लाइक मेरा चैनल मोनिटाइज हो गया और भाई मेरे 1000 हो गए। तो गाइस अभी यहाँ तो 1000 भी नहीं है अपने पास, तो ये चीज़ है। बट हाँ, हर किसी, मेरे हिसाब से तो भाई मेरा तो यही था, और मैं जितना देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि, तो गाइस मैं यही बता रहा था आप लोगों को कि अगर आप न्यू बिगनर हैं तो आप अपने हर चीज़ पे फोकस करो, और जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन जो भी है,
इन सबको ध्यान से लाइक इसके एनालिसिस करो एंड देन उसके बाद आप इस पर फोकस करके तब इसको अप्लाई करो गाइस, क्योंकि एल्गोरिदम उसका चेंज होता रहता है और एल्गोरिदम यही बोलता है उसका यूट्यूब का कि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप करना चाहते हो या फिर आप नहीं करना चाहते हो, तो फोकस आप उस आपको हर चीज़ पर रखना पड़ेगा कि क्या एल्गोरिदम चल रहा है क्या नहीं चल रहा इस तरीके से, ठीक है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तुम्हारा तो कुछ कुछ हुआ ही नहीं और आप मतलब लोगों को सलाह दे रहे हो, तो गाइज मैं सलाह नहीं दे रहा, मतलब आप बहुत सारे चैनल हैं जो कि आप देख सकते हो वहाँ जाके कि किस किस तरीके से क्या क्या होता है, जिससे कि आप लोगों को कोई चीज़ कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आप न्यू बिगनर हैं, न्यू क्रिएटर, और मैं न्यू क्रिएटर की बात कर रहा हूँ गाइज, जो भी न्यू क्रिएट करते हैं कोई चीज़, तो उन्हीं के लिए मैं खासकर बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ क्रिएट करते हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती है बनाने में, तो आप यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत सारी वीडियो हैं सर जो कि आपके सारे डाउट जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे उसमें, ठीक है। और आजकल बहुत सारे चैनल बन रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के फैक्ट्स के चैनल हो गए, मोटिवेशन के चैनल हो गए, लाइक ठीक है ब्लॉग के चैनल हो गए, तो अपनी अपनी जो भी आपको जो एक नीश पे चलना है, मतलब कि जो भी है भाई कैटेगरी लेके चलनी है और उसी के हिसाब से आपको बनाना है, ठीक है। और जो कि गलती मत करो, मतलब एक बार चीज़ को कर लो समझो तो उस पर फोकस करते हुए चल जाओ, मतलब ऐसा ना हो गलती को जो कि जो जो गलती मैं कर रहा हूँ वो चीज़ आप लोग गलती करो, मैं इसीलिए आप लोगों को थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। और इस चक्कर में ही मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं जो कि मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा इस चीज़ में, तो मैंने इसलिए सोचा कि थोड़ी एक वीडियो बना दूँ जिससे कि आप लोग समझ जाओ कि भाई हाँ ऐसी गलती ना करो कोई चीज़ अगर आप न्यू क्रिएट कर रहे हो। और बहुत लोग हैं जैसे कि आप, जैसे मैं बोल रहा था कि जैसे कि वो अपने बिहार साइड के भाई हैं और अपने इधर ये किधर डांसर भाई हैं, तो बहुत लोग कुछ लोगों की किस्मत भी चल जाती है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई उन्होंने मेहनत तो की है बट कुछ लोगों की किस्मत भी चल जाती है, तो ऐसी भी है, किस्मत भी थोड़ी मैटर करती है, हाँ बट हार्डवर्क ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ के अंदर, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप मेहनत कर रहे हो और तो आपको मिलनी मिलनी है सक्सेस, मतलब तो वही है भाई, हम भी बहुत सालों से कर रहे थे बट निराश है थोड़ी सी, यार कुछ नहीं हो पा रहा, तो यही है, अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मतलब थोड़ा आपको बता दूं थोड़ा कि कैसा क्या है हिसाब किताब इसके अंदर और अपना जो भी है, अगर आप कुछ करते हो तो आप पूरी गाइडलाइंस लो उसके बारे में, और कुछ भी अगर आप न्यू क्रिएट करते हो तो तभी आप कुछ कर पाओगे क्रिएट, अगर आप उसकी पूरी नॉलेज होगी आप तभी कर पाओगे उस चीज़ को, यही चीज़ है। तो ये बोलूँगा कि आप ध्यान से फोकस होकर करो कोई भी काम, खासकर स्पेशली अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हो, तो भाई टाइम कंजप्शन मान के चलो टाइम लेता है ये, बट टाइम एक मतलब एक होना चाहिए कि भाई हाँ भाई इस टाइम में मैं इस चीज़ को हासिल कर लूँगा, अगर उससे अगर कोई चीज़ बियॉन्ड जा रही है तो फिर उस चीज़ को छोड़ दो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। बंदे जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, कोई चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उन्हें पता चल रहा है कि भाई हम 3 साल से लगे पड़े हैं या 2 साल से लगे पड़े, एक मेरा फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, वो बहुत सालों से लगा पड़ा है बेचारा, उसको स्कूल कंप्लीट करने के बाद ही वो लगा पड़ा था, बट उसकी अभी तक गाइस मानोगे नहीं, उसको अभी तक कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। हालांकि एक पेपर में उसका नाम भी आ गया था बट अभी भी हालांकि वो जॉब नहीं लग पाई है उसकी, तो ये चीज़ है, किसी चीज़ को कंटिन्यू करो, बट अगर कोई चीज़ अगर आपको ना ले पाए, टाइम टेकन ज़्यादा हो जाए और आपको पता लगे कि आपकी नीड के हिसाब से वो चीज़ वर्क नहीं कर पा रही, तो आपको वहीं उसको स्किप कर देना चाहिए और मूव आउट हो जाना चाहिए आपको, जो भी आपके मतलब जो भी स्किल्स या फिर जो भी आपकी नीड के अकॉर्डिंग है कोई चीज़, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बढ़ जाना चाहिए, जितना मेरा मानना है। अगर आप अटके रहेंगे उसी चीज़ पे तो गाइस और सारी चीज़ें स्मैश हो जाएंगी, मतलब कोई चीज़ पे आप वो नहीं कर पाओगे, मतलब कोई और अदर चीज़ें जिस उस चीज़ की वजह से आपकी चीज़ें ख़राब होगी, बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर लूँ या फिर मतलब पूरा गवर्नमेंट जॉब पूरा जब तक हासिल नहीं करूँगा, जब तक मैं कोई भी काम नहीं करूँगा, या फिर करूँगा तो नौकरी उसी की करूँगा, और मान लो आपको मिले ही ना वो, फिर आप क्या करोगे। तो ये सब चीज़ें मतलब इंसान को ऑप्शन रखने चाहिए, अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रही तो ठीक है, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, आज की डेट में तो इतने सारे ऑप्शन हैं, आप कुछ भी कर लो, करने वाला बंदा होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता गाइस, चाहे भी फोटोग्राफी का काम करो, चाहे आप कोई और अदर वर्क करो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर ही है कि आप किस चीज़ को कैसे करते हैं, किस चीज़ का आपका नज़रिया कैसा सबसे बड़ी बात, किसी चीज़ को देखने का, कि भाई आप कोई कहते हैं कि यार वीडियो बनाता है या वो करता है, तो ये कोई छोटा काम नहीं है, कोई वीडियो बनाता है या फिर कोई किसी को हंसा रहा है या फिर कोई कुछ कर रहा है, उसमें ही मेहनत लगती है, ठीक है गाइस। तो खासकर जितने भी क्रिएटर्स हैं उनसे पूछो कि वो एक एक वीडियो को बनाने में कितने कितने घंटे लगाते हैं, कितना टाइम लगाते हैं, सॉरी, तो उन लोगों को पता उस चीज़ की अहमियत, कि एक वीडियो की कीमत उन्हें पता है कि क्या भाई कितना टाइम लगता है, कितना एडिट करने में टाइम लगता है, शूट करने में कितना टाइम लगता है, एक
प्लेस चाहिए पर्टिकुलर भाई, शांति भी होनी चाहिए बिल्कुल, कि बंदा वीडियो बना रहा है उसको डिस्टर्बेंस ना हो। बहुत सी चीज़ें होती हैं, किसी के पास पूरा लाइक सेटअप ही नहीं होता जैसे हम जैसे लोग हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी गाइस। तो इसी चीज़ को मैं वही बताना चाह रहा हूँ थोड़ा, क्या मतलब कि अगर इस चीज़ पर आ रहे हो तो पूरे सही से आओ और पूरी तैयारी के साथ आओ, मतलब कि कोई चीज़ का ऐसा ना हो गया कभी मेरा फ़ोन टूटा या मैं आप नहीं बता रहा हूँ या फिर किसी का कोई और चीज़ की प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ नहीं। आप अपनी पूरी चीज़ पहले कंप्लीट करो उसके बाद आओ उस चीज़ पर भाई। स्टार्टिंग करो भले ही, जब लोग कहते हैं कि यार उसके अगर कोई चीज़ हमारे पास होगी नहीं तो फिर हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे, स्टार्ट करो, लेकिन हो सके तो जितनी जल्दी हो सके तो आप अपने आप को अपग्रेड कर लो उस चीज़ में। कहने का मतलब ये है जैसे कि आप ये ना पछतावा हो कि यार मैं इतने सालों से कुछ कर रहा हूँ मेरा कुछ हो नहीं पाया, तो ये चीज़ का रिग्रेशन कम होता है अगर आप इस चीज़ को थोड़ा फोकस रखेंगे और इस चीज़ पर थोड़ा अगर आप मतलब रखेंगे थोड़ी कमांड अपनी के लाइक हाँ भाई मेरे को ये चीज़ करनी है वो चीज़ करनी है, तो अगर आप उस चीज़ को थोड़ा कर लेते हैं फोकस उस चीज़ पे तो हाँ थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है उस चीज़ पे। और यही है कि अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप, और हाँ सबसे बड़ा जो बंदे होते हैं या हम जैसे हैं कोई भी है जो स्टार्टिंग में जिसको कुछ आइडिया नहीं होता, तो वो क्या करते हैं भाई आज वीडियो डाल दी और डालेंगे फिर 1 महीने बाद या फिर 15 दिन बाद, तो ये एल्गोरिथम काम नहीं करेगा खासकर यूट्यूब पे। यूट्यूब मांगता है डेली डेली उसके अंदर आप कुछ ना कुछ फीड करो, मतलब जैसे कुछ ना कुछ आपको डेली डालना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और हम जैसे बंदे खासकर हैं न्यू बिगिनर्स हैं जो भी क्रिएटर्स हैं, तो वो क्या सोचते हैं यार बहुत सालों से डाल रहे हैं अब कुछ नहीं हो पा रहा, ठीक है भाई समझ रहे नहीं हो पा रहा, लेकिन वो डेली बोलता है डेली, तो भाई मैं भी नहीं डाल पाता मैं आपको रियली बताऊँ, ठीक है। या फिर बोलता है अभी तो थोड़ी मतलब पॉलिसीज में चेंज आएगा, जैसे 15 दिन में आप एक वीडियो डाल दो या फिर एक हफ्ते में एक वीडियो डाल दो, तो अगर आप बेसिकली अगर आप स्टार्टिंग से अगर हर डे एक वीडियो डालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा ग्रो में, ठीक है। हालांकि डेली वीडियो डालना मुश्किल हो जाता है अगर ढंग से आप एडिट करें ढंग से शूट करें अगर अच्छा, तो मतलब एक दिन में डालना मुश्किल हो जाता है, मतलब से 3 दिन बाद या फिर 2 दिन बाद एक डन पाती ढंग की वीडियो, तो मेन एडिटिंग और ये सब ये शूट की बात है। लेकिन अगर आप डेली डालोगे तो गाइस ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा भाई, भाई यूट्यूब देखता है कि मतलब अगला बंदा काम कर रहा है इस चीज़ पे, हमारे मतलब लाइक सिस्टम से जुड़ा हुआ कंटिन्यूसली वो उस चीज़ पे काम कर रहा, तो हाँ मतलब वो खुद मतलब इस चीज़ को रिव्यू कर लेते हैं। बट हम खुद मैं खुद अपनी बता रहा हूँ कि भाई मतलब मैं कभी कभी 15 दिन महीने महीने हो जाते हैं वीडियो डाल पाए, तो वहीं पर हम थोड़ी मात खा जाते हैं गाइस, ठीक है। और मेन तो पिक्चर क्वालिटी जो मैंने आपको बता रखी है, वीडियो क्वालिटी बता रखी है, ठीक है। और ये बस बात है कि आप अगर हर चीज़ पे फोकस रखेंगे, छोटी छोटी सिली मिस्टेक होती है गाइस, अगर आप जैसे कि भाई आज डाल दी आप 15 दिन बाद डाल दो, तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आज डालिए तो फिर अच्छा 1 दिन का गैप ले लो, दूसरे दिन या तीसरे दिन डाल दो, लेकिन डालो गाइस छोटी डाल दो। अगर अब आजकल तो शॉर्ट का ट्रेंड चल रहा है, शॉर्ट्स वीडियो का ट्रेंड चल रहा है भाई, 15 सेकंड की जैसे नॉर्मली अदर प्लेटफॉर्म में डाल दो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस पर भी डाल दो, आजकल तो शॉर्ट वीडियो का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो अगर आप इन चीज़ों पर डाल दो तो उस पर भी आपको बेनिफिट है, कहने का मतलब ये है। लेकिन कुछ ना कुछ यूट्यूब बोलता है भाई डेली कुछ ना कुछ उसे दो, जिससे कि आपकी एक लाइक पूरी एक पूरी वो बनेगी लाइक कि हाँ भाई बंदे ने इतने साल से डेली कंटिन्यूसली वीडियो उसने डाली है, तो उससे भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है चैनल ग्रो करने में चैनल बूस्ट करने में, तो जितना कि मैंने देखा है फेस करा इस चीज़ को, ठीक है। और हालांकि यही है बस बात, बाकी तो अपना भाई कंटिन्यूसली कोई भी टॉपिक ले लो एक अपना और उस पर अपनी वीडियो बनाते रहो, और बस यही चीज़ है, इसके अलावा तो कोई चीज़ है नहीं। तो यही है बस, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसे अपने सच्चाई से करो, लगन से करो। और शायद वीडियो ज़्यादा लेंथ जा रही है बट कोई नहीं गाइस, अगर थोड़ा अगर अब जब चैनल बंदी हो रहा है तो थोड़ा ढंग से लेंथ जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को बता रहे हैं या फिर कोई चीज़ को अगर हम आपको कोई चीज़ को मैं बता रहा हूँ मतलब जो चीज़ गलती मैंने करी वो चीज़ गलती आप ना करो, तो इसलिए मैं थोड़ा आपको बताने के लिए थोड़ा आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा समय वेस्ट हो रहा होगा, बट हाँ ये चीज़ काम आएगी आपके, इतना बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। और जो भी अगर आप देख रहे हो कोई सक्सेसफुल क्रिएटर है, तो अगर आप पूछो उससे चाहे वो कैरी हो चाहे कोई और भी हो, तो उसको पता है स्टार्टिंग में उसने एक दो दो सब्सक्राइबर किस किस तरीके से गेन करें, 10 सब्सक्राइबर कैसे गेन करें। हालांकि आप लोगों ने उनकी स्टोरी भी सुन रखी है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी, और ख़ासकर उन क्रिएटरों के लिए मैं बोलना चाहूँगा जो न्यू बिगिनर हैं खासकर, जो कि बहुत उम्मीद से आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे कि भाई हम भी कुछ करेंगे, लेकिन भाई पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है, पेशेंस रखना पड़ता है, अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कहने का मतलब ये पेशेंस ही बहुत बड़ी चीज़ है यूट्यूब के अंदर। और आने वाला समय का मैं यही बोलूँगा कि मोस्टली हो सके तो यूथ जितने भी हम जैसे भाई, तो वो इसी पे डिजिटलाइज्ड हों और डिजिटल वे में ही वर्क करें, क्योंकि आने वाला समय इसी का ही है। बच्चा हम
जो किसी को मतलब सक्सेस ना मिल रही हो तो वो एक बात अलग है किसी चीज़ में, लेकिन आने वाला समय का अभी अब मैं एक मैंने लाइक मैंने देखी थी वीडियो, तो उसमें बताया था कि 50% या 45% समथिंग अभी लाइक अभी रेशियो चल रहा है अपना डिजिटलाइज का। 135 करोड़ उसकी जनसंख्या है हमारे भारत की, तो आप सोचो अभी खाली 45% डिजिटलाइज है, अभी 100% हुआ तो कितना लाइक डिजिटलाइज होगा, आप इस चीज़ को समझो कितना। अभी तो मतलब बहुत सी चीज़ें अभी बहुत पीछे हैं, सोचो कितने यूज़र बढ़ेंगे कितने क्या होगा, तो मतलब चांसेस पे हर चीज़ की ग्रो होने की है वो होने की, लेकिन अभी हम सोचो आप 45% ही खाली डिजिटलाइज हुए हैं। हालांकि अभी इतने गाँव में जो पिछड़े पिछड़े गाँव में या कोई ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे अभी कुछ कुछ ऑनलाइन का कुछ पता ही नहीं है, कुछ समझ लो ना टेक्नोलॉजी का कुछ A to Z कुछ पता ही नहीं उन लोगों को, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी। अगर 40 to 45% अभी का रेशियो है तो आने वाले समय में आप देखिए अभी कितना रेशियो बच रहा है, 50 to 55% बच रहा है, इतना रेशियो बहुत होता है, ऐसा कम नहीं होता। आने वाले समय में यही मतलब सोचो अगर जब इतने इतने सारे यूज़र्स हमारे बढ़ जाएंगे तो सोचो हमारा लेवल कहाँ जाएगा टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और आने वाला समय यही है गाइस, डिजिटलाइज है, आप देख रहे हैं आप, तो इवन पेमेंट्स भी सब ऑनलाइन हो रही है, और इवन ठीक भी है, अभी कोरोना चल रहा है कोविड चल रही है तो इसके चक्कर में ठीक है, आपको ज़्यादा टचिंग का मतलब ना करें तो ज़्यादा बेटर है जैसे लोग बोलते हैं, और पब्लिक एरिया में ना जाए, और लॉकडाउन का पूरा पालन करें, सभी लोग कर रहे हैं जैसे कि हम लोग भी कर रहे हैं, और नेसेसरी हो या फिर आप कहीं नौकरी करते हैं या फिर जो भी है तो तभी आप जाएँ, अदरवाइज़ घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें और अवॉइड ही करो। मेरा तो ये मानना पब्लिक प्लेस में जाना, खासकर उन भाइयों के लिए बोलूँगा जो खासकर ब्लॉग शूट करते हैं, ठीक है। ब्लॉग शूट करने के लिए आपको पता ही है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाना पड़ता है, कोई भी चीज़ को आप एक्सप्लोर करते हो, बंदों को दिखाते हो कि भाई ये मार्केट है या फिर सपोज़ कोई न्यू प्लेस है, तो अभी थोड़े दिन के लिए अवॉइड ही करोगा ना तो ये बोलूँगा, ठीक है। क्योंकि आप पब्लिक प्लेस में जाएंगे तो आपकी गैदरिंग होगी, और सोशल गैदरिंग आप समझ रहे होंगे कि मतलब कभी बोला ही है कि लोगों से अगर आप बचें ज़्यादा भीड़ भड़ा कैसे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए आपके परिवार के लिए, ठीक है। तो यही है, तो गाइस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी अगर आप अच्छा टॉपिक चूज़ कर लें, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी टॉपिक ख़राब है, लेकिन आपकी आपकी मतलब लाइक बोले तो आप लोगों की जो भी कैपेसिटी हो या फिर मतलब जो भी एबिलिटी हो कि हाँ भाई मैं ये काम अच्छे से कर लूँगा इस टाइम में इस वे में, तो जो भी आपका मैनेजमेंट बनता है उस हिसाब से आप उसी के हिसाब से ही अपना चैनल ओपन करिए जो भी आप बनाना चाहते हो, ठीक है। और भाई अपना तो यही है बस, अभी तो अभी बस चल रहा है अपना, आप देखते हैं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो उसे सोच रहे हैं वही, फिर भाई बंदी करेंगे अब, जब कुछ हो नहीं रहा तो क्या कर सकते हैं यार, मेन तो सारी यही बात है थोड़ा। हाँ मन में लग रहा है कि यार कुछ नहीं हो पा रहा, बस सब क्या कर सकते हैं, समय समय की बात है भाई, कोशिश तो कर ही रहे हैं पूरी, ठीक है। ये था थोड़ा बात 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 कि यार जो भी न्यू हो भाई सही से फोकस करो तगड़ी मेहनत करो भाई, बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, हमारी तो यही दुआ है भाई, हमारी सभी के लिए दुआ ये रहती है भाई, सभी लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हों और अपनी जो भी उनकी विशेष हों सब पूरी हों, ठीक है। तो यही है गाइस, हालांकि तो गाइस यही मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के, कंटिन्यूसली अच्छे फोकस करो, अच्छा टॉपिक बनाओ, अच्छा कंटेंट बनाओ, ठीक है। और प्लीज़ हो सके तो गाइस पेशेंस बहुत ज़रूर बना कर रखना, क्योंकि यूट्यूब पेशेंस मांगता है, और अच्छे अच्छे आप लोगों ने देखी होंगी वीडियोस का, इस समझाने की कोई ज़रूरत नहीं कि आज की डेट में हर बंदा समझदार है और वो जानता है कि अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो आपका कितना फोकस बनता है उस चीज़ पे, क्या समझते हैं आप किस चीज़ को किस तरीके से ले रहे हैं। और बेसिकली अगर आप, मेरा मानना ये है कि अगर आप यूट्यूब को ढंग से समझेंगे तो गाइज़ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बिलीव नहीं कर सकते हो गाइज़ कि बंदे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है, यूट्यूब एक बहुत अच्छी चीज़ है गाइज, बट वो ये लोगों का थोड़ा मैं क्या बोलूँ बस थोड़ा लक भी मैटर करता है और हार्डवर्क सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर बंदा इसमें सक्सेस हो गया तो भाई उसकी लाइफ सेट है, इतना मुझे पता है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे अच्छे से। यार मैं क्या बताऊँ, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, बट आप लोग खुद देखते होंगे कि भाई कोई बंदा बता रहा है कि मैंने गाड़ी खरीदी यूट्यूब के पैसों से, मैंने यूट्यूब के पैसों से नया आईफोन खरीदा, ठीक है, मैंने नए यूट्यूब के पैसों से नया घर खरीदा गाइज, समझ लो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो गाइज। सोचो आप अगर आप अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, अगर आप अच्छी ग्रो हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है आपकी फेम तो फेम होगी, बट आपके साथ मतलब अर्निंग का सोर्स भी बहुत अच्छा होगा आपका, आपको नौकरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छा वर्क करेंगे इस पर, अगर आपको अच्छा फोकस करेंगे इस पर तो आपको नौकरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है समझ लो आप, ठीक है। और ये ना ही कोई आपकी डिग्री मांगता ना कुछ मांगता, अगर आप इसमें अगर आप सक्सेस हो गए तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, मतलब
मैंने देखा है बहुत लोगों को, गाइस आप लोगों ने भी देखा होगा कि लोग बंदे बंदा कहाँ था और बंदा आज कहाँ पहुँच गया। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर मतलब अगर बंदा कंटिन्यूसली फोकस करे किसी चीज़ पे तो वो बंदा कुछ करना कुछ ना कुछ कर ही जाएगा, कहने का मतलब ये है। और आप भी अच्छे से फोकस कर रहे हैं किसी चीज़ पे तो कुछ ना कुछ कर जाएगा बंदा, कहने का मतलब ये है। तो ठीक है, अगर आप कंटिन्यूसली कोई वर्क कर रहे हैं या फिर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो फोकस रखो, मेन है फोकस, और उस चीज़ के बारे में अपडेट रहना कि भाई इस चीज़ में क्या आप चेंजेस आए हैं या क्या इसका एल्गोरिदम कह रहा है, कोई भी चीज़ है एक्स वगैरह। ठीक है, तो यही है, न्यू न्यू बिगनर्स जितने भी हैं भाई ध्यान से बस अपना ये काम करते जाओ, कभी ना कभी तो भाई आप लोगों को सफलता मिलेगी मिलेगी ये चीज़ें। क्योंकि यूट्यूब वही बोलता है कि भाई मेरे पे जो कंटिन्यूसली वर्क करेगा, जो मेरे पे डेली लाइक कुछ भी मेरे अंदर फीड करेगा, कोई अच्छी अच्छी पोस्ट डालेगा, मतलब समझो अच्छी अच्छी वीडियोज़ डालेगा, तो बंदा हाँ कहीं ना कहीं ग्रो करेगा ही करेगा। ठीक है, और ये मैं बहुत मतलब थोड़ा मन थोड़ा वो हो गया था, मैं इसी चक्कर पे मैंने सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो बनाता हूँ कि लाइक हाँ भाई बताऊँ थोड़ा कि बंदों को कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है अगर आप वीडियो बनाते हैं या फिर आप कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो कितनी चीज़ों को आप लोगों को ना फेस करना पड़ता है। अगर आप स्टार्टिंग में टूट जाएंगे तो फिर आप ढंग से बना नहीं पाएंगे, बट स्टार्टिंग में आपको स्ट्रॉन्ग रहना, स्पेशली जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते, 4000 वॉचर नहीं हो जाता, आपका चैनल मोनिटाइज नहीं हो जाता, स्पेशली मोनिटाइज, जब तक आपका मोनिटाइज नहीं हो जाता चैनल तब तक गाइस आपको फोकस्ड रहना ही रहना है। जो बेसिक TNC है यूट्यूब की वो आपको फॉलो करनी करनी है, और उसे अचीव करने के बाद गाइस आपके लाइक धीरे धीरे चैनल बूस्ट होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप बेसिक नीड उसे कम्प्लीट कर देते हैं भाई 1000 फॉलोवर कम्प्लीट कर लिए और 4000 वॉचर जो भी अपना कम्प्लीट कर लिया, हाँ देन भाई आप अप्लाई कर दो सीधे मोनिटाइज के लिए और आपका चैनल मोनिटाइज हो जाए, देन इसके अच्छी क्या बात है गाइस। और उसके बाद फिर और ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना, ये नहीं कि आपका भाई चैनल मोनेटाइज हो गया, अगर ये सारी बेसिक नीड कंप्लीट हो गई तो ये नहीं कि आप बस आप तो हो गया बस आराम से सब पढ़ते रहेंगे सब, ऐसा कुछ नहीं गाइस। उसके बाद और ज़्यादा आपकी मेहनत पड़ जाएगी क्योंकि आप लोगों को डेली वीडियो भी डालनी है, अच्छा अच्छा कंटेंट भी डालना है आप लोगों का इस, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें, अच्छा कंटेंट भी डालोगे, अच्छी वीडियो क्वालिटी भी डालोगे तो और ज़्यादा आपकी व्यू बूस्ट होने के चांसेस हैं। अगर व्यू व्यू बूस्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी वीडियो वायरल होगी, अगर एक भी वीडियो अगर आपकी वायरल होगी तो हाँ आपके सब्सक्राइबर भी ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो व्यूज़ से ज़्यादा मैटर करता है, हालांकि सब्सक्राइबर से इतना मैटर नहीं करता यूट्यूब, ये लोग शायद आप लोग भी जानते होंगे। तो मतलब मेन फोकस यही है कि अगर आप अगर अच्छा कंटेंट रखेंगे तो हाँ ऑब्वियस सी बात है आपकी वीडियो वायरल होनी होनी है आज ना आज के दिन से। तो यही चीज़ें आप मेन फोकस अपने, तो एक चीज़ और बता दूँगा, अगर आप न्यू बिगनर हैं तो आपको दो चार चीज़ों के बारे में आप लोगों को लाइक पता होना चाहिए कि जैसे आप अगर न्यू क्रिएटर हैं तो आपको तीन चार एप्लीकेशन है जिसको बारे में आपको शायद पता होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ कि अगर आप एडिटिंग वगैरह करते हैं तो जैसे काइन मास्टर हो गया, ठीक है, और काइन मास्टर तो सबसे बेस्ट है उसमें, लेकिन वो वाटरमार्क विदाउट वाटरमार्क वाला एप्लीकेशन आप ले लेना, ठीक है, गूगल से आप डाउनलोड कर लेना। और पावर डायरेक्टर हो गया एक ऐप, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि अपने कर्म से दिल लगाइए ना कि उसके फल पे। अगर आप निरंतर अपना कर्म करेंगे सच्चे दिल से तो ऑटोमेटिकली आपको फल मिलेगा, फल की चिंता मत कीजिए। जय श्री कृष्ण।
जीवन में कठिनाइयाँ हमें नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आती, बल्कि हमारा सामर्थ्य और हमारी छुपी हुई शक्तियों को निकालने में मदद करती है। तो घबराए नहीं, डटकर सामना करें, जिंदगी एक नई जंग है। कैसी भी परिस्थिति हो, हमें टूटना नहीं है। अगर हम टूट गए ना, तो ये जब भगवान की, कृष्ण जी की, या मान लो किसी जी की भी, किसी की भी मूर्ति हो, अगर इंसान घर से बाहर निकाल देता है, ये दुनिया घर से बाहर निकाल देती है, तो राधे राधे। जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक ही रूप में देखता है, वही सर्वश्रेष्ठ मानव है। इसलिए ज्ञान और कर्म को हमेशा प्रमुख रखिए, प्रधान है, इस पे जी जान से मेहनत कीजिए, हर एक चीज़ को याद रखिए। राधे। जो चीज़ हमारे हाथों में नहीं है, उसके बारे में सोचना व्यर्थ है, इसलिए सोचे ना। राधे राधे। निष्कर्ष करो, किन लोगों को सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक की बीमारी होती है? उन लोगों को होती है हार्ट अटैक की बीमारी जो सबसे ज़्यादा टेंशन लेते हैं और बिना मतलब का व्यर्थ का सोचते हैं, और उसकी वजह से जो उनका जो ब्लड होता है वो मतलब थोड़ा भारी हो जाता है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है गौरव चौहान 23। तो गाइज, आज अपन बात करेंगे कि मोजे जो होते हैं हम लोगों को क्यों पहनने चाहिए। गाइज, अगर हम मोजे पहनेंगे तो हमारे पैर सेफ रहेंगे, दूसरी बात यह है कि वो एलर्जी नहीं होगी हमारे पैरों में, ठीक है। टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको करना होगा अपना जो इनकोग्नो मोड होता है उसको आपको ऑन करना होगा। अगर आप ऑन नहीं करेंगे तो आपको जो साइट है टिकट की वो आप महंगे टिकट दिखाएगी, तो आपको क्या करना होगा, इसलिए वो इनकोग्नो मोड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, ब्राउज फीचर में जाके। आज का ज्ञान, अगर आप मोह माया में उलझे रहोगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं पा पाओगे, और अगर आप मोह माया से बच गए, इसमें इस समुद्र में नहीं उलझे, तो आप हर एक चीज़ पा सकते हो, ठीक है गाइस। तो मोह माया में रहता है इंसान की फितरत है, लेकिन गाइस आपको पता है जहाँ बच्चे पैदा होते हैं हमारे भारत में, तो हम पैदा होने के बाद उसे एक दिन का मानते हैं, उसी जगह दूसरी जगह साउथ कोरिया में गाइस जब बच्चा पैदा होता है तो उसे एक साल का माना जाता है। पता है आपको ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ, क्योंकि गाइस जब हमारे यहाँ पैदा होता है बच्चा, तो हम उसे भाई पैदा होने के बाद उसे एक दिन का मानते हैं। वहाँ क्या होता है कि वो उन लोगों की ये मेंटेलिटी है, उनके बोलने का तरीका ये है कि 9 महीने बच्चा माँ के पेट में रहा है, तो उसी ने जब वो पैदा होता है तो वो उसे एक साल का मानते हैं। तो गाइस है ना ये कि अजीब बात। गाइस अगर जिसको ये बात नहीं पता हो तो चेक सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, और होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो गाइस, अभी हम इंडिया गेट पे हैं और यहाँ पे देख लो और सामान जो देख लो, कोई आपसे उम्मीद रखता है तो ये उसकी कोई मजबूती नहीं होती, बल्कि उसका विश्वास और एक लगाव होता है आपके प्रति। दो चार लड़कियां कैसे पटाऊं ये सब छोड़ दो, दो चार लड़कियां कैसे पटाऊं ये सब छोड़ दो, घर पर चार पहियों की गाड़ी की लाइन लगाऊं ये कैसे करूं ये सोचो। गाइस बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि CBSE ने भी बताया है, मोदी जी ने और जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उन्होंने बाद में डिस्कशन कराया अपने साथ में, तो बताया गया है कि क्लास 10th का जो एग्ज़ाम है वो गाइस कैंसिल कर दिया गया है, और जो क्लास 12th के एग्ज़ाम थे गाइस वो पोस्टपोन कर, जिसने साथ दिया इस। We'll be right back.
भाइयों एक सच्चा सच बताने जा रहा हूँ, कितनी भी माउंटेन ड्यू पी लेना, लेकिन जो सच्चा डर है वो सिर्फ दारू पीने के बाद ही जाता है। सावधान, क्योंकि काजल लगाने से भी जा सकती है आपकी जान। कैसे? कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले वो भौंकेंगे काटेंगे और वक्त आने पर चाटेंगे भी। मौत से कौन डरता है? सच्चा सच बताने जा रहा हूँ, कितनी भी माउंटेन ड्यू पी लेना, लेकिन जो सच्चा डर है वो सिर्फ दारू पीने के बाद ही जाता है। वो लोग कभी नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई ना हो। दुश्मन के सितम का खौफ नहीं है हमको, हमको तो अपने दोस्तों के रूठ जाने से डर लगता है। सुना है बहुत घमंड है, आओ कभी मिलने, मिलकर तोड़ेंगे तुमको और तुम्हारे घमंड को। सभी लोग मरते हैं पर वास्तव में सभी लोग जीते नहीं। राजेश खन्ना बन गए तो। आईफोन 7 लगातार ऐसा 7वां फोन है जो कि आईफोन की सीरीज का मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। हौसला बुलंद हो तो तकदीर भी सलाम करती है। राजा पैदा नहीं होते, राजा बना करते हैं, वो भी अपने दम पर। हम घाव भूल जाते हैं लेकिन घाव देने वाले को नहीं, और मौका आने पर ऐसा घाव देते हैं कि वो जिंदगी भर याद रखता है। मेरी बुराई करने वालों एक बारी मेरी बराबरी करके दिखाओ, तब बात करेंगे। खौफ तो मेरा उन लोगों से पूछो जी, खौफ तो मेरा उन लोगों से पूछो जी कि जो अपनी गर्लफ्रेंड से भी बोलते हैं सबसे पहले तो उस बंदे को ब्लॉक कर दे। कुछ लोग बोलते हैं कि तू बड़ा उछलता है, तो भाई मैं उछलता हूँ अपने दम पे, ठीक है, ना ही किसी और के घमंड। Nothing can stop me, I'm all the way up, all the way up, all the way up. I'm just a big fan, sir. Sir? Sir, bahut sharif sa lagta hai. Call me down. Awesome, awesome. Kis kis ko pasand hai, guys? Comments now.
देखो गाइस क्या लवली वेदर हो रहा है, कितना सुहाना मौसम हो रहा है गाइस। ऐसे मौसम में कौन कौन घूमना चाहता है, किस किस। देख लो गाइस और बताओ कमेंट करके कि कौन सी लोकेशन है, अगर आप लोगों को बताओ तो। देख लो गाइस कितना ऑसम मौसम हो रहा है। चलो शुरू। जाने आटा वाटा देख लिया क्या, रोटी बना के जाई सर हमारे गए बहाने सर। और अच्छा खाता है चला वराय कर रहा हूं भाई, चल चल और सारे वो दो उधर वाले भी उधर खा रहा है। ऐसे चले ऐसे दिखाइए टंडे पे दिखाना, देखो कैसा बैठा जैसे ज्योतिष के पिछले फोटो। ये देखो गाइस पीपल का पेड़ है, ठीक है। ये देखिए आप, जड़ एक ही है, तना इसका देख रहे होंगे आप, ये एक ही है, ठीक है। और ये देखिए इसमें ऊपर जाके साइड में कोई और भी पेड़ निकल रहा है, देखिए इसकी शाखाएं देखिए। और इधर देखो गाइस ये कितना बुरा समय चल रहा है, जो कि ये बेचारे पक्षी हैं, ये बेचारे भोजन के लिए तरस रहे हैं। आप लोग खुद देखो गाइस, सब लॉकडाउन लगा हुआ है, सब लॉकडाउन देख लो कितना शांत हो रहा है। तुम सिर्फ अपने हाथ से मत हारना, तुम सिर्फ अपने हाथ से मत हारना, बाकी तुम्हें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, ये लिख कर ले लो गाइस। ये देखो गाइस इंडिया गेट पे भी पता नहीं किस चीज का मोर्चा चल रहा है, ये एनसीसी वाले कर रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो एनसीसी वाले जा रहे हैं, ये देखो आप, ये पता नहीं किस चीज का मोर्चा बना रखा है इन लोगों ने। ये देखो गाइस जो बंदे को आइडेंटिफाई करता है वो वाला कुत्ता है, सूंघ के बता देता है। ये देखो फौजी साहब के साथ, ये सूंघ के बता देता है कैसा कुत्ता है। आप देख सकते हैं बहुत तगड़ा कुत्ता होता है, इसकी नस्ल बहुत तगड़ी है, सूंघ के बता देगा कौन कैसा क्या है। दो चार लड़कियां कैसे पटाऊं ये सब छोड़ दो, दो चार लड़कियां कैसे पटाऊं ये सब छोड़ दो, घर पर चार पहियों की गाड़ी की लाइन लगाऊं ये कैसे करूं ये सोचो। देखो गाइस क्या लवली वेदर हो रहा है, कितना सुहाना मौसम हो रहा है गाइस। ऐसे मौसम में कौन कौन घूमना चाहता है, किस किस। देख लो गाइस
और बताओ कमेंट करके कि कौन सी लोकेशन है, अगर आप लोगों को बताओ तो। देख लो गाइस कितना ऑसम मौसम हो रहा ऑसम मौसम, किस किस को पसंद है गाइस कमेंट्स नाउ। आई एम जस्ट अ बिग फैन सर। सर सर बहुत शरीफ सा लगता है, कॉल मी डॉन। भैया की जय। ये दीवार पे चल देखो तुमने है? बड़ी हिम्मत है, देखिए कैसे चल रहे हैं। सब दिख रहा है देखो गाइस, पूरा लंबा लग रहा है कितना। हां देखो ना, ठीक है। हां वहां का दिख लिया, मुझे वाले पे चले के आ गए हैं। देखो हाँ हाँ, वो थोड़ी यार गंगा माता का सब पानी सब वो है। वो लोग कभी नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई ना हो। भाइयों एक सच्चा सच बताने जा रहा हूँ, कितनी भी माउंटेन ड्यू पी लेना, लेकिन जो सच्चा डर है वो सिर्फ दारू पीने के बाद ही जाता है। वो भौंकेंगे काटेंगे और वक्त आने पर चाटेंगे भी। आईफोन 7 लगातार ऐसा 7वां फोन है जो कि आईफोन की सीरीज का मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। सावधान, क्योंकि काजल लगाने से भी जा सकती है आपकी जान। कैसे? कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले लिया। भाइयों एक सच्चा सच बताने जा रहा हूँ, कितनी भी माउंटेन ड्यू पी लेना, लेकिन जो सच्चा डर है वो सिर्फ दारू पीने के बाद ही जाता है।
देखो गाइस क्या लवली वेदर हो रहा है, कितना सुहाना मौसम हो रहा है गाइस। ऐसे मौसम में कौन कौन घूमना चाहता है, किस किस। देख लो गाइस और बताओ कमेंट करके कि कौन सी लोकेशन है, अगर आप लोगों को बताओ तो। देख लो गाइस कितना ऑसम मौसम हो रहा है। ऑसम मौसम किस किस को पसंद है गाइस, कमेंट्स नाउ। जान लेना जुर्म है लेकिन सही समय पर जान लेना राजनीति है। जाना आटा वाटा देख लिया क्या, रोटी बना के जाई सारा मड़ गए बहाने से। और अच्छा खाता है, चला रहा है, कर रहा है, ऐसे ऐसे घास खा रहे हो तो वो उधर वाले भी घास खा रहा है। हां ऐसे दिखाइयो टंडी टंडी का दिखाना। देखो कैसे बैठा जाए तुम ज्योतिष के खींच ले फोटो। दो चार लड़कियां कैसे पटाऊं ये सब छोड़ दो, दो चार लड़कियां कैसे पटाऊं ये सब छोड़ दो, घर पर चार पहियों की गाड़ी की लाइन लगाऊं ये कैसे करूं ये सोचो। अगर कोई आपसे उम्मीद रखता है तो ये उसकी कोई मजबूती नहीं होती बल्कि उसका विश्वास और एक लगाव होता है आपके प्रति। गाइज आपको पता है जहाँ बच्चे पैदा होते हैं हमारे भारत में तो हम पैदा होने के बाद उसे एक दिन का मानते हैं, उसी जगह दूसरी जगह साउथ कोरिया में गाइज जब बच्चा पैदा होता है तो उसे एक साल का माना जाता है। पता है आपको ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि गाइज जब हमारे यहाँ पैदा होता है बच्चा तो हम उसे भाई पैदा होने के बाद उसे एक दिन का मानते हैं, वहाँ क्या होता है कि वो उन लोगों की ये मेंटेलिटी है या उनके बोलने का तरीका ये है कि 9 महीने बच्चा माँ के पेट में रहा है तो उसी ने जब वो पैदा होता है तो वो उसे एक साल का मानते हैं। तो गाइज है ना ये कि अजीब बात। गाइस अगर जिसको ये बात नहीं पता हो तो चेक सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
देखो गाइस अभी हम इंडिया गेट पे हैं और वहाँ पे देख रहा हूँ और सामान जो देख लो मौसम मौसम किस किस को पसंद है गाइस कमेंट्स नाउ। देखो गाइस क्या लवली वेदर हो रहा है, कितना सुहाना मौसम हो रहा है गाइस। ऐसे मौसम में कौन कौन घूमना चाहता है, किस किस देख लो गाइस। अब बताओ कमेंट करके कि कौन सी लोकेशन है, अगर आप लोगों को बताओ तो। देख लो गाइस कितना ऑसम मौसम हो रहा है। ठंड ठंड है बहुत, मैं नहाएगा नहीं साला। अरे भाई तू इतना गोरा दिखता है, क्या लगाता है तू? फिल्टर। बेटा कल स्कूल क्यों नहीं आए? सर गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। किस लिए? किसकी क्या बात कर रहे हो सर, अपन तो पूरा काम निपटा के आए लाए। वो पूछना ये था दोस्तों, जिस इंसान में कोई कमी ना हो क्या हम उसे कमी ना कह सकते हैं? जिसने साथ दिया। गाइस ये वो हाथ हैं जो हमेशा साथ देते हैं।